गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सभी का 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन 6 सिविक्स का है। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल, पहले तो हम बताएंगे आपको कि राजनीतिक दल सभी ने देखे हैं। जैसे जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे घर घर वोट मांगने आते हैं, वो होते हैं राजनीतिक दल, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, INLD, JJP, ये सभी क्या है, BSP, ये क्या है, राजनीतिक दल। आप सभी ने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे क्या आते हैं हमारे घर, हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, जो वोट मांगने आते हैं वो क्या होता है, एक संगठन होता है। किस चीज़ का संगठन होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, लोगों का समूह होता है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है, चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है। मतलब जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक दल होती है, वो किसका समूह होता है, लोगों का होता है। उनका क्या उद्देश्य होता है, चुनाव लड़ना होता है। क्यों होता है, क्योंकि ताकि वो सत्ता को प्राप्त कर सके, अर्थात राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनका उद्देश्य है चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है। अब है इसके कार्य, राजनीतिक दलों के कार्य, इन राजनीतिक दलों के निम्न कार्य हैं। सभी ने देखा होगा चुनाव लड़ना, भी मैंने बताया था राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना होता है। उसके बाद चुनाव प्रचार करना, राजनीतिक दलों का जो दूसरा कार्य क्या होता है, चुनाव प्रचार करना। चुनाव प्रचार क्या होता है, घर घर जाकर अपनी नीतियों का प्रसार करना ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और उनकी वोट डलवा सके। उसके बाद जो थर्ड है, सरकार का निर्माण करना। सरकार का निर्माण करने में क्या होता है, जो दल, जो राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है वो किसका निर्माण करता है, सरकार का। अर्थात जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतता है, वही सरकार का निर्माण करता है। अन्य व्यक्ति या अन्य राजनीतिक दल सरकार का निर्माण नहीं कर सकता। उसके बाद है विपक्ष का निर्माण करना। विपक्ष का निर्माण क्या होता है, जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है वो विपक्ष का निर्माण करता है। जो विपक्ष की भूमिका होती है वो सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो सरकार के कार्य होते हैं या गलत कार्य होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाता है ताकि सरकार कोई भी गलत कार्य ना कर सके। इसलिए जो राजनीतिक दल होता है, जो चुनाव हार जाता है, वो विपक्ष का निर्माण करता है। उसके बाद जो लास्ट है, कानूनों का निर्माण। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। कौन कानूनों का निर्माण करता है, जिसकी सरकार होती है। कानूनों का निर्माण किस लिए करता है, हमारे लिए करता है। क्यों करता है, ताकि हमारा विकास हो सके। अर्थात राजनीतिक दलों के 5 कार्य फिर दोबारा एक बार सुन लो, चुनाव लड़ना, चुनाव प्रचार करना, सरकार का निर्माण करना, विपक्ष का निर्माण करना और कानूनों का निर्माण करना।